एक ऐसा स्टॉक जो 5 रुपए का है, फ्यूचर में होने वाला है 100 रुपए, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही हमने आपको आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड और फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड भी एक ओपिनियन दी थी जो हमारी पर्सनली हम फॉलो कर रहे थे, उसका क्या स्टैंड है आज के दिन में डिटेल में समझेंगे इस चीज को आज इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली पेनी स्टॉक से रिलेटेड कुछ आपके ऐसे डाउट्स क्लियर होंगे जो आप टाइम एंड अगेन हमसे पूछते जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जिसमें पेनी स्टॉक से रिलेटेड असली सच, पीछे की कहानी आप तक पहुंचाई जाए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और इस वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ऐसा डिस्कशन है जिसको आपको ढंग से समझना और प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीज समझते हैं जो हमने आपको दो ओपिनियन दी थी। पहली ओपिनियन थी आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड, दूसरी ओपिनियन थी फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड। दोनों ही ऐसे स्टॉक है जो सिर्फ एक न्यूज बेस्ड के कारण रैली कर रहे थे। आज देख सकते हो वापस से उन स्टॉक्स का क्या हाल हुआ, पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, आज वापस से देख सकते हो। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज लोअर सर्किट में लगा हुआ है, फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप्स की बाकी कंपनीज भी आप देख सकते हो लोअर सर्किट में लगी हुई है। मतलब क्या हुआ, आलोक इंडस्ट्रीज से आपको अवेयर करने के लिए हमने उस समय बोला था जब आलोक इंडस्ट्रीज डेली अपर सर्किट में था। हमारी रिकमेंडेशन या हमारी ओपिनियन आने के बाद भी दो अपर सर्किट लगे थे और काफी लोगों ने उसमें हमें ट्रॉल भी किया था, साथ ही साथ कमेंट्स भी ऐसे आए थे कि सर आपको पता नहीं है ये एक बड़ा मल्टीबैगर होने वाला है। वैसा ही हुआ था फ्यूचर ग्रुप के साथ भी। हमें कुछ समझना जरूरी है इससे पहले कि हम पेनी स्टॉक वाले डिस्कशन पर जाएं। एक चीज समझिए, जो हम वीडियो बनाते हैं ना, हम उसमें ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। अगर वो नहीं है तो जस्ट बिकॉज उसमें न्यूज बेस्ड रैली आ रही है मैं आपको कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता। एक चीज समझिए, जब एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा तो मैं वो आपको भी नहीं बता सकता। अगर कोई स्टॉक स्ट्रांग नहीं होगा वो हम इस चैनल पर कभी भी आपको नहीं बताने वाले। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यार मैं तो खुद लूं नहीं और आपको बोल दूं कि बॉस ले लो क्योंकि ये चलता हुआ सा स्टॉक है, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज समझिए, इन दोनों वीडियो में हमने यही बात करी थी आलोक इंडस्ट्रीज में भी फ्यूचर ग्रुप में भी, ऐसा पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो अगर कभी टूट भी जाए तब आपको टेंशन ना हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आप पेनी स्टॉक या ऐसे स्टॉक चूज कर रहे हो जो रैली बेस्ड है उसमें 3 रूल्स फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है तो इसमें कभी भी मेजर अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिएगा, इतना ही कीजिएगा जितना अगर जीरो भी हो जाए तो आपको टेंशन ना हो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ऐसे स्टॉक से एग्जिट कब लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे स्टॉक जो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, जो चिट्टर पिट्टर स्टॉक्स होते हैं, जो सट्टा बेस्ड स्टॉक होते हैं, जैसे ही उन स्टॉक्स में एक अपर सर्किट लगे और वो भी वॉल्यूम के साथ, वो बेस्ट समय होता है ऐसे स्टॉक से एग्जिट लेने का। वरना आप देख सकते होंगे कि आज ना तो कोई आलोक एग्जिट कर पा रहा है ना ही फ्यूचर ग्रुप एग्जिट कर पा रहा है, चॉइस है आपकी। सेकंड एग्जिट रूल आपको मिल चुका है। थर्ड, आई पर्सनली बिलीव कि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, थोड़ा भी पैसा क्यों इन्वेस्ट करना, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, फाइनल डिसीजन होगा आपका। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि पेनी स्टॉक के पीछे का क्या कहानी है, और साथ ही साथ आज आप जब YouTube खोलते हो इतने सारे वीडियोस मिलते हैं कि 5 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझे। उससे पहले अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया, डिस्क्रिप्शन में Zerodha और Allies Blue के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है जिसके साथ आप कंफर्टेबल आप खुला सकते हैं। Allies में आपको मार्जिन काफी ज्यादा मिलते हैं, Zerodha वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है, आपको अच्छा लग सकता है, जिसके साथ कंफर्टेबल हो खुला सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुलाए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा, विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पे जोड़ देगी जिसमें हम हमारे व्यू, हमारा खुद का पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग कॉल्स आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे डिटेल्स भेजना मत भूलिएगा। अब ये बात करते हैं कि पेनी स्टॉक्स में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या 5 रुपए का 100 रुपए स्टॉक एक्चुअली होता है। एक चीज समझिए, पेनी स्टॉक की वैल्यू पेनी है, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअली पेनी है। कचरा है उसकी वैल्यू आधा पैसा का, 1 रुपए का, 2 रुपए का स्टॉक इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये कचरा स्टॉक है। कचरा वैल्यू है क्योंकि कचरा स्टॉक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इक्विटी शेयर मार्केट इतना रैशनल हो जाए, मतलब एक ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू 150 होनी चाहिए थी उसको 1 रुपए कर दे,
ऐसा स्टॉक मार्केट कभी भी नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट इतना इरेशनल नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत चिट्टर पिटर होते हैं, हजारों पेनी स्टॉक में से एक ऐसा स्टॉक होता है जो बड़ा बन जाता है और सब उसके पीछे भागते हैं। एक चीज समझिए, मैं पर्सनली क्या करूंगा, अगर एक समझिए गोबर का ढेर लगा हुआ है या फिर एक कचरे का ढेर लगा हुआ है, उसमें 100 रुपए का नोट है, उसमें मैं वो 100 रुपए के नोट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप में से हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हो, वैसे ही चिट्टर पिट्टर स्टॉक्स के इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, उसमें से एक स्टॉक निकालना रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मल्टीबैगर होगा बहुत डिफिकल्ट टास्क है। 99.99% वो पैसा देके ही जाएगा और मात खाके ही जाएगा। तो इसीलिए मैं कभी ऐसे स्टॉक्स में ना हाथ लगाता हूं, ना रिकमेंड करता हूं कि आप चिट्टर पिट्टर सट्टे के स्टॉक और साथ ही साथ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे वीडियोस, इतने सारे वीडियोस बनाते हैं कि 5 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, 5 का 1000 हो जाएगा। इसके पीछे का कारण है सिंपल, यूट्यूब का लॉजिक। यूट्यूब पे आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं? जितने आपके वीडियो पे व्यूज होते हैं उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब आप ही बताइए, मेरा एक वीडियो है जो फंडामेंटल एनालिसिस का है, फंडामेंटली चीजें समझाते हुए आपको बताने की डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जा रहा है, उसको आप देखना पसंद करोगे या एक ऐसे वीडियो को देखना पसंद करोगे जो आपको सीधा बोल रहा है कि आप 5 रुपए लगाओ 1000 रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए लगाओ 200 रुपए हो जाएंगे। यूजुअली जो लोग होते हैं वो ऐसे वीडियोस जो क्लिकबेट बोलते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में क्लिकबेट वीडियोस होते हैं, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जस्ट बिकॉज उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, वो ये चीजें बोलते हैं। अब आप भी देखिए कि आपने ये वीडियो क्यों देखा, जस्ट टाइटल देख के ही देखा ना, तो इसीलिए ये टाइटल को इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाता है कई बार कि जिसमें अंदर तो चीजें गलत होती है। अब देखिए, मैंने अगर 100 चिट्टर पिट्टर स्टॉक रिकमेंड करे उसमें से एक एट टाइम सही भी हो जाएगा, पर क्या मैं 99 बार गलत होने के लिए और पैसा गंवाने के लिए रेडी हूं? चॉइस आपकी है, आपको चूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे सारे ऐसे चैनल है, बहुत सारे अच्छे एजुकेशन वाले चैनल है जो आपको बहुत जेन्युइन एजुकेशन देते हैं और सही बात करते हैं, उन चैनल को फॉलो करिए। जो चिट्टर पिट्टर स्टॉक्स और चिट्टर पिट्टर चीजें फॉलो करने के लिए आपको बोलता है, आपको ऐसे चिट्टर पिट्टर स्टॉक देता है कि 2 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, ये का ये हो जाएगा, वो आप सोच सकते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। मेजोरिटी टाइम वो आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, सीधे एक स्क्रीन आएगी और 2 रुपए का 100 रुपए बनाने की बातें करेंगे। चॉइस है आपकी, क्या आप जेन्युइन फंडामेंटल चीजों को फॉलो करते हुए फॉलो करना चाहते हैं या चिट्टर पिट्टर के पीछे जाना चाहते हैं। यूजुअली पब्लिक चिट्टर पिट्टर या ऐसे अट्रैक्टिव टाइप टाइटल जो 2 रुपए का 100 रुपए बनाता है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। उसका लाइव एग्जाम्पल है आप ही का ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो। टाइटल था ऐसा कि आपको अट्रैक्शन हुआ कि 5 का 100 रुपए हो जाएगा, पर क्या एक्चुअली होता है ऐसा? बहुत डिफिकल्ट है ये काम करना। तो यही रहा कंक्लूजन इस वीडियो का। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के लिए हमने नेगेटिव तब बोला था, आई नो उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे, बट उसके लिए एक्चुअल ओपिनियन फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमने तब दी थी जब उसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे थे। अब आप देख सकते हो कि आज क्या हाल हुआ है। वैसे ही हमने फ्यूचर ग्रुप के बारे में बोला था। सो होता क्या है, मेरे लिए बड़ा ईजी है, जो आप सुनना चाह रहे हो ना मैं वो बोल दूं, आप सुन ले और आपको अच्छा लगे वीडियो आप शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे, बट ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है कि जो फंडामेंटली ठीक है चीज, जो एक्चुअली सही है, वो आप तक पहुंचाऊं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 1 अप्रैल से हमने आपको ऐसी स्टॉक की लिस्ट भी दे दी थी, बुलिश कॉल भी दे दिया था, उस समय सब बेरिश चीजें सुनना चाह रहे थे, बट जो एक्चुअली हमें चार्ट में दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन आएगा, तब आएगा जब आप और हम सीधे 12,000-13,000 की बातें करने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएंगे। उस समय मार्केट 7,500-8,000 पे था, सब 5,000 की बातें कर रहे थे और पिछले 1.5 महीने से इस चैनल पे मैं आपको बुलिश ट्रेंड दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको करेक्शन के लिए रेडी नहीं किया। टाइम एंड अगेन मैंने आपको करेक्शन के भी वीडियो बताया कि आपको करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना चाहिए। जिन्होंने भी स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ओपिनियन सही या गलत हो सकती है, स्ट्रैटेजी हमेशा सही होगी, आपकी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आपको चिट्टर पिट्टर स्टॉक्स के पीछे भागना है या आपको वेल्थ क्रिएशन के पीछे भागना है? क्या आपको पैसा कमाने के पीछे भागना है या सिर्फ ऐसे स्टॉक को पकड़ने के पीछे भागना है जो 100 में से एक बार भी आप सही हो जाए तो वो भी आपका लक होगा? तो आई पर्सनली बिलीव सबसे पहले पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना है, सेकंड ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है वो मैं ना इस चैनल पे कभी रिकमेंड करता हूं ना करूंगा, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए, प्राइस वॉल्यूम आ जाए, कल आलोक में अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग जाए 10, उसके बाद भी मैं आपको उसमें रिकमेंडेशन नहीं दूंगा जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता। हो सकता है उसकी बुक्स चेंज हो जाए, कुछ अच्छी चीज हो जाए और फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाए, फिर हम रिकमेंड करें विद लॉजिक, दैट इज ओके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज एंड प्राइस मूवमेंट कोई भी स्टॉक रिकमेंड हो वो हमें नहीं चूज करना। और थर्ड, ये वीडियोस बनते क्यों है यूट्यूब पे? सिंपल सा कारण है, यूट्यूब पे क्लिकबेट व्यूज के पता चलता है कि आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा, व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे क्लिकबेट वीडियोस बनाए जाते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल है आप जो ये वीडियो देख
रहे हो कि इसका टाइटल देख के आपको अट्रैक्ट हुए और आपने ये वीडियो देखा, बट इसके अंदर का जो सच है वो समझना, जानना, पहचानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें, मिलना मत जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। अगर आप हमारी टीम की कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपने अभी तक डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर ज्वाइन बटन आ चुका है, आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगे तो। अगर नहीं भी लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। पेनी स्टॉक्स से और पेनी स्टॉक्स रिकमेंड करने वालों से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। सी यू वेरी सून।